आईआरसीटीसी की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस आज से अपना सफर शुरू करेगी। ये ट्रेन तीन ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी। देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन वाराणसी में आज दोपहर 2:45 पर रवाना होगी और दूसरे दिन कल सुबह 9:44 पर इंदौर पहुंचेगी। महाकाल एक्सप्रेस के पहले यात्रियों को आईआरसीटीसी की ओर से आकर्षक उपहार भी दिए जाएंगे। तो ये ट्रेन तीन ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाली है, महाकाल एक्सप्रेस, जहां काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर और साथ ही ओंकारेश्वर को ये ट्रेन जोड़ेगी। तो ट्रेन के अंदर भक्ति की भी व्यवस्था है। यहां पर ट्रेन में सिर्फ शाकाहारी खाना ही यहां पर उपलब्ध यात्रियों को हो पाएगा। तो आज से काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन, जिसकी शुरुआत हो रही है, आकर्षक तोहफे इस दौरान पहले यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तय किए गए हैं। तो 16 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे, तो उसी दौरान उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और इसका शुभारंभ किया था। और आज से ये आम लोगों के लिए यहां पर खुलने वाली है। तो काशी वालों का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तीन ज्योतिर्लिंगों को ये ट्रेन जोड़ती है। वाराणसी से इंदौर के बीच ये चलने वाली है। देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन वाराणसी 2:45 पर आज रवाना होगी, तो वहीं दूसरे दिन सुबह 9:40 पर कहा जा रहा है कि ये इंदौर पहुंचेगी। महाकाल एक्सप्रेस के पहले यात्रियों को आईआरसीटीसी की तरफ से यहां पर आकर्षक उपहार भी दिए जाएंगे। और राजू श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजू, यहां पर सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और आज से ये लोगों के लिए खुल रही है और आज से इसका सफर, पहला सफर यहाँ पर शुरू होगा। किस तरह की उत्सुकता है यहाँ पर लोगों में? गांव पे जाते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। ये सिर्फ वाराणसी के लोगों के लिए नहीं, जो भी भगवान के, शिव के प्रतीक आस्था रखते हैं उन सभी के लिए खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं धर्म की राजधानी काशी को कहा जाता है और काशी से इस तरह की ट्रेन का शुभारंभ होना कहीं ना कहीं धार्मिक विचारधाराओं के लोग जो हैं उनको सुकल आसान तरीके से दर्शन हो सके उनका, उसके लिए प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी है श्रद्धालुओं के लिए। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो काशी आने वाले श्रद्धालु और काशी से अन्य शिव मंदिरों में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको काफी सहूलियत होगा इस ट्रेन से। और वहीं बात करें तो काशी में टूरिज्म और कैसे बढ़ावा मिल सके, उसको कैसे लोग बनारस, अन्य राज्यों, अन्य जिलों से बनारस आए धार्मिक यात्रा करने यहाँ पर, इसके लिए भी वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। यही वजह है कि इस ट्रेन का शुभारंभ करके काशी को धर्म की राजधानी जो कहा जाता है, उस धर्म की राजधानी में और भी चीजें कैसे बढ़ सके, कैसे पूरी तरीके से। ये जानना चाहेंगे कि इस ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों को कितना यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही ये अगर और ट्रेनों की तुलना में यहाँ पर देखा जाए किस तरह से अलग होती है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि आपको वेजिटेरियन जो खाना है वही यहाँ पर उपलब्ध होगा और भी कई चीजें जो बदलाव की गई है। देखिये, इस ट्रेन की खासियत की अगर बात करें तो किराए की अगर बात कर ले तो किराया थोड़ा अन्य ट्रेनों से ज्यादा होगा, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए, श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए है। खाना शुद्ध शाकाहारी होगा इसका, और ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो पूरा धार्मिक माहौल होगा, धार्मिक जो धुन होंगे, जो संगीत होंगे उसका आप आनंद ले सकते हैं पूरी तरीके से। यूं कह ले कि इस ट्रेन में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो धार्मिक विचारधाराओं के साथ आप यात्रा करेंगे। और आपको सबसे अहम और सबसे खास चीज ये, जिस दिन से इस ट्रेन का प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया उस दिन से हर
जो बच्चा है वो अपने माँ बाप को इस ट्रेन की यात्रा कराना चाहता है और धार्मिक यात्रा कराना चाह रहा है इस ट्रेन से, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेन आने वाले समय में एक धार्मिक यात्रा का एक मिसाल बनेगा और इस ट्रेन से लोग देखते हुए अन्य राज्यों में भी इस तरह की ट्रेन जल्द चालू कराएंगे। जी चलिए, धन्यवाद आपका राजू फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।